अब देखिए इसी कलिंगा वॉर के बारे में पढ़ेंगे मौरियन एम्पायर वॉज एट इट पीक वेन द अशोका बिकेम द एम्पायर कहता पीक पे था मतलब बहुत तरक्की की उसने पूरा ऑलमोस्ट आपको मैप दिखाया था ना कि पूरा ऑलमोस्ट इंडिया उसके अंडर आ गया था अशोका के अंडर बट कलिंगा वॉर द ओनली किंगडम दैट वॉज नॉट अंडर मौर कंट्रोल तो कलिंगा ही एक ऐसा था जो मौर्य के अंदर नहीं था कलिंगा की अपनी एक इंपॉर्टेंस थी कलिंगा इंपॉर्टेंट किंगडम था इंडिपेंडेंट किंगडम था एड फ्लरिशिंग टेड वहां पे व्यापार बहुत अच्छा होता था ये इंपॉर्टेंट था अब ये भी आ सकता है सिर्फ कि कलिंगा जो था उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी अशोक जो था वो कलिंगा को क्यों जीतना चाहता था कंट्रोल लैंड एंड सी रूट टू साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया यानी साउथ इंडिया से साउथ एशिया जाना है तो आपको कलिंगा वो पे जाना ही पड़ेगा मतलब वो कंट्रोल्ड लैंड था लैंड कंट्रोल करता था और सी रूट दोनों को रूट्स कंट्रोल करता था अशोक ऑफा वॉ टू कंकर कलिंगा कलिंगा को जीतने के लिए उसने वॉर लड़ी लेकिन इतना वॉयलेंस और खून खराबा देख के उसने वॉर के बारे में छोड़ दिया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हाउ डिड कलिंगा वॉर ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द अशोक एटीट्यूड्स टुवर्ड्स वॉर तो इसमें आप पहले यही लिखोगे कि वो कलिंगा को अपने अंदर लेना चाहता था क्योंकि कलिंगा की ये इंपॉर्टेंस थी लेकिन उस कलिंगा वॉर में इतना वॉयलेंस और इतना खून खराबा हुआ कि उसने वॉर छोड़ दिया और बाद में उसने ये धर्म

होता है ना बलियां देते थे मंदिर में जाके और उसमें वो नहीं ही फेल्ट दैट ही इज एन एम्परर सो ही मस्ट इंस्ट्रक्टेड सब्जेक्ट सब्जेक्ट मतलब होता है प्रजा को फादर की तरह हु ट्राइज टू चिल्ड्रन हिज मोरल कोड तो वो ये सोचता था कि वो एक राजा है तो उसे अपनी प्रजा को एक प्रजा को जैसे एक बाप अपने बेटे को अच्छी आदतें सिखाता है ना तो ऐसे ही वो सोचता था कि मुझे अपनी प्रजा को एक अच्छी आदतें सिखानी है उनका मोरल करेक्टर बनाना है इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा और उसके लिए उसने किसकी मदद की बुद्ध की बुद्ध की टीचिंग की अब क्या था ऑफिशियल्स उसने आ, अपने उसमें अपॉइंट किए हु धामा महामता धामा महामता कहा जाता था जिन ऑफिसर्स को उसने अपॉइंट किया था और वो क्या करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और लोगों को उन्हीं टीचिंग के बारे में बताते थे थ्रू धामा अशोका वॉन्ट्स टू इंस्टिल द स्प्रिट ऑफ क्या अपने प्रजा में वो डालना चाहता था कौन कौन सी जो आ, कौन कौन से करेक्टर्स वो अपनी प्रजा में देना चाहता था टॉलरेंस यानी पेशेंस ठीक है सहन करना नॉन वायलेंस हिंसा ना करना क्योंकि वो खुद भी वॉर छोड़ चुका था कोअ एग्जिस्टेंस एक दूसरे के साथ मिलकर रहना एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स बड़ों की इज्जत करना वो अपने पीपल को क्या कहता था फॉलो पाथ ऑफ अहिंसा अहिंसा का रास्ता चुनो, चच बोलो, दूसरे धर्मों का सम्मान करो ओबे एल्डर्स बड़ों का कहना मानो प्रैक्टिस चैरिटी टूवर्ड्स पुअर गरीब लोगों की मदद करो बी काइंड टू ऑल सबके साथ अच्छा व्यवहार करो चाहे वो सर्वेंट्स हो चाहे वो स्लेव्स हो लिव टुगेदर पीसफुली शांति से एक दूसरे के साथ रहो अशोका इशूड मैनी रॉक एडिक्ट रॉक एडिक्ट्स ये देखो चट्टानों पे उसने ये खुदवाया हुआ एज वेल एज पिलर एडिक्ट ऑन विच ही इनग्रेव और उस पर उसने यही अपने प्रिंसिपल्स खुदवाए हुए हैं वट एवर फॉर्म ही कैरीड आउट एंड मोरल प्रिंसिपल ही एनकरेज जो भी फॉर्म वो मतलब जो भी रिफॉर्म वो लेता था रिफॉर्म मतलब होता है लोगों की जो गलत हो रहा है ना सोसाइटी में जो ईविल है उसको सही करना सही बताना उसको ठीक है और जो उसके मॉरल प्रिंसिपल्स थे जो वो इनकरेज करता था वो कहां खोदे हुए हैं फोर्टीन रॉक एडिक्स और सेवन पिलर एडिक्ट स्क्रिप्ट ऑफ मोस्ट और किस भाषा में लिखे गए हैं ब्राह्मणी स्क्रिप्ट प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं और प्राकृत लैंग्वेज की स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट क्या है ब्राह्मणी मोस्ट ऑफ द वर पुट इन पब्लिक प्लेसेस और ये एडिक्ट कहा लगाए जाते थे पब्लिक प्लेसेस में टेम्पल्स में जहां पे बहुत सारे लोग विजिट करते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे और वो इसको पढ़ेंगे His, he ज इंस ही इंस्ट्रक्टेड इज ऑफिशियल टू रीड द मैसेज टू दोस्ट हुआ वो अब उसने ऑफिशियल्स भी अपॉइंट कर रखे ना उनको कह रहा था कि जो इनको नहीं पढ़ पाते पढ़ के जो नहीं समझ पाते उनको ये पढ़ के आप बताओ दीज एडिक्स कहां कहां मिलते हैं ये इंडिया में नेपाल में अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में ही प्रपोगेट धामा इन डिस्टेंट लैंड अब उसने अपने बेटे को और अपनी बेटी को भी श्रीलंका भी भेजा ये धर्म का प्रचार करने के लिए यानी जो वो सोच थी वो दूसरों तक बचाने बत, पहुंचाने के लिए भी उसने ये भेजा अपने बेटे और अपनी बेटी को श्रीलंका भेजा अशोका स्प्रेड इज मैसेज टू दूसरे किंग सॉट टू बी फ्रेंड दैम दूसरे राजाओं को भी भेजा और उनको भी क्या कहा जिनको वो अपना फ्रेंड बनाना चाहता था उन तक भी उन्होंने ये मैसेज अपना भेजा ही एंड ट्रेवल्ड विद हिज मैसेज टू इजिप्ट ग्रीस अब उसके जो वो थे जिनको वो भेजता था मतलब लोगों को उसके मैसेंजर कह सकते हो कहा गए वो इजिप्त ग्रीस सीरिया और टर्की भी गए उसका मैसेज लेके अशोका बिकेम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म किसका बन गया फॉलोअर मानने वाला का ही प्रोवाइडेड ऑल हेल्प टू बुद्धिस्ट संघा बुद्धिस्ट संघा को जो हेल्प हो सकती थी वो उसने की ही ऑल्सो विजिटेड बुद्ध बर्थ प्लेस बुद्ध की जो जहां पे बुद्ध ने जन्म लिया था महात्मा बुद्ध ने जबन जन्म लिया था लुम्बिनी वाला जो अब प्रेजेंट नेपाल में है ये वहां पे भी गया था अशोका इंस्पायर्ड ऑफ ऑफ फॉलोअर के के फॉलो बुद्ध को मानने के अलावा अशोका ने एक्सटेंडेड सपोर्ट टू अदर फेथ दूसरे जो धर्म थे या दूसरे जो लोग विश्वास करते थे उसको भी उसने सपोर्ट किया रिपीटेडली सब्जेक्ट रियलाइज नीड फॉर अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ ऑल रिलीजन लेकिन वो क्या कहता था वो अपने प्रजा को ये कहता था कि तुम जो भी मान रहे हो धर्म उसकी टीचिंग को समझो और उसको अपनाओ ये नहीं कि आप जैसे हिंदू हो तो आप पूजा पाठ पाठ कर रहे हो आप मुस्लिम हो तो आप मस्जिद जा रहे हो नहीं वो जो धर्म कहता है और सारे धर्म यही कहते हैं जो उसने बोला ना बड़ों की रिस्पेक्ट करो सच बोलो सारे धर्म यही कहते हैं तो कहता है उनको मानो सिर्फ उस करने से कुछ नहीं होता कि आप मंदिर चले गए आप मस्जिद चले गए आपका काम हो गया तो उसने इस बात पर जोर दिया